बता रहे हैं। अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 50 लाख की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे में फिरौती न देने पर जान से मारने की उसे धमकी मिली थी। पहले भी संगीन आरोपों में लिप्त है आरोपी। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। तो यह बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त सामने आ रही है। 50 लाख की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार हो चुका है। फिरौती न देने पर दी थी जान से मारने की धमकी। पहले भी संगीन आरोपों में लिप्त है आरोपी। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। तो इस बीच पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है। अपराध शाखा के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर फिरौती मांगने वाला अब सलाखों के पीछे होगा। पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है और कई शिकायतें पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। 50 लाख की फिरौती मांगने गया था यह आरोपी। उस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली, उस आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। तो यह बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम से इस वक्त की यह बड़ी खबर। अपराध शाखा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 50 लाख की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार हो चुका है। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दिया करता था। पहले भी कई संगीन आरोपों में संलिप्त है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कुख्यात जो सरगना है ये पकड़ा गया है, इसने फोन पर 50 लाख रुपए जो है फिरौती मांगी थी और सूरत में जान से मारने की धमकी देने वाले इस आरोपी को जो है डीएलएफ फेस 4 की जो पुलिस है उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गुरुग्राम पुलिस को जो है एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर जो है वो मिली है। कॉल करने वाली व्यक्ति ने स्वयं का जो खुद का जो परिचय दिया है वो नीरज बवाना उसने अपना नाम बताया है, और उसने उससे अगर कोई और चीज पूछी गई है तो वो अभी फिलहाल जो है बता नहीं पा रहा है और वो साफ इस चीज से मना कर रहा है कि मैं आगे और कुछ भी नहीं बताऊंगा। कॉल करने वाले व्यक्ति ने 2 दिन के अंदर ही, मैं आपको बता दूं कि 50 लाख रुपए की मांग की थी और कहा था कि अगर 2 दिन के अंदर ये 50 लाख रुपए नहीं दिए गए तो जो है जान से भी जो है वो मार दिया जाएगा। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो गुरुग्राम के अंदर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो गुरुग्राम की जनता है वो लगातार भय में जी रही है। शिवानी, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगी कि इस आरोपी के कहाँ कहाँ तक तार जुड़े थे जो इसके हौसले इतने बुलंद थे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसके जो तार है वो कहाँ कहाँ जुड़े हैं इस बात की तो अभी जानकारी जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन जो ये कुख्यात बदमाश है, मैं आपको बता दूं कि पहले जो है इस व्यक्ति ने अपना नाम जो है वो नीरज बवाना बताया था, लेकिन बाद में कुछ जो छानबीन की गई और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना जो नाम है दीपक उर्फ मिठी बताया है। तो फिलहाल जो है, हालांकि जो पहले नाम बताया गया नीरज बवाना बताया गया और अब जो नाम बताया गया वो दीपक उर्फ मिठी बताया गया, तो और जो कि फजलपुर नीम का थाने का रहने वाला है, फरीदाबाद से ये मूल निवासी है। और लगातार जो है ये शिकायतें बढ़ती जा रही थी कि लोगों को जो है फिरौती की जो रकम है वो मांगी जा रही है फोन पर, और हत्या करने की जो धमकी है वो लगातार जो है दी जा रही है। और ऐसा पहले भी जिस व्यक्ति के खिलाफ, मतलब जिस व्यक्ति ने इस चीज की सूचना दी थी, मैं आपको बता दूं तो उसको जो है पहले फोन पर धमकी दी गई और उसके बाद जो है उसे मारपीट उसके साथ की गई और चोटी मार कर उसके साथ छीना छपटी तक की गई है। और उसके बाद जो है जब वो डर गया काफी तो पुलिस के पास पहुंचा, तो अब जो है गुरुग्राम पुलिस ने जो है इस आरोपी को जो है पकड़ लिया। बड़ी कामयाबी, क्योंकि 50 लाख की रकम जो है वो लगातार लोगों से मांग रहा था, एक बड़ी फिरौती जो है वो मांग रहा था गुरुग्राम पुलिस को। यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी जो है वो कह सकते हैं कि मिली है। जिस समय ये घटना को अंजाम दिया करता था और कौन कौन लोग थे इसके साथ, क्या उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस को मिली है? मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इस तरह की कोई भी जानकारी जो है वो फिलहाल अभी तक तो पुलिस के पास जो है वो नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ये साफ चीज बताई है कि जरूर इनके साथ जो है कई और लोग भी जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई काम कोई व्यक्ति करता है
तो अकेला जो है वो ऐसे किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकता, जरूर उसके साथ कोई और लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है पुलिस से। जी, पुलिस लगातार अभियुक्त से पूछताछ कर रही है और जल्द ही तमाम और चीजों का जो है वह पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपराध शाखा पुलिस के हाथ यह बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर लंबे समय से इंतजार था। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी। 26/3/2022 को एक व्यक्ति ने सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी कि किसी अनजान व्यक्ति ने नीरज भवाना के नाम से मेरे से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, नहीं देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी है। इसके संबंध में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सुशांत लोक ने इसमें शामिल जो मुख्य अभियुक्त था जिसने फ़ोन करके धमकी दी थी, दीपक जिसका नाम है दीपक उर्फ मिठी पुत्र वीरेंद्र, ये फज्जूपुर जिला फरीदाबाद का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है और इसने पूछताछ पे बताया है कि ये 2022 में ही जेल से बाहर आया है फरवरी में, और उसके बाद इसके कुछ साथी के साथ मिलकर इसने इस वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन होंगे।